अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप जी का साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अज्ज दी वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे कि जो मैरिटोरियस स्कूल दियां डिफरेंट वैकेंसियां निकलियां 67 पोस्ट, ठीक है जी, अनाउंस कीता एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, और तुसीं ऑनलाइन किवें अप्लाई करनी है आह जिन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट, तुसीं ऑफिशियल वैबसाइट ते जाके लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ते क्लिक करना है। उस तो बाद आ पेज आजूगा, ये जो लास्ट लिंक है वो बनया हुआ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लैक्चरर एंड डीपीस फॉर मैरिटोरियस स्कूल्स, तुसीं इत्थे क्लिक कर देना, पेज खुलूगा, ठीक है जी। ये फिलहाल इतने इन्होंने डेट्स वगैरह अपडेट नहीं कीतियां, ठीक है जी, बट इन्हों की जी डेट है स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन जी फीस की लास्ट डेट है वो ताड़ी है जी 26 मार्च। मैं नाल दे नाल तुहानू एक्सप्लेन कर दिना। उस तो बाद ये करैक्शन वगैरह तुम्हें किमें करनी है, अगर कोई डाटा गलत तुम लोड करता है अपलोड करता है वो, ठीक है जी, तुम्हें करैक्शन किमें करनी है ये मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट भी दसूँगा। सो जुड़े रहना वीडियो में, बड़े ही ध्यान ना देखना, स्किप ना करना, सो डैट पूरा प्रोसैस तुम ये पता लग सके। तो नीचे लिंक बनया हुआ जी, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तुम्हें इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करन तो बाद तुहाडा नैक्सट पेज खुलूगा जिद अपनी ये गाइडलाइनस वगैरह रीड कर लेनी है। गाइडलाइनस सिंपल है, वही तुहाडा फोन नंबर, ईमेल आई डी सही होना चाहिए है, ठीक है, ताड़ी जो भी है डिटेल वगैरह सही फिल करनी तुसी, ठीक है जी। फीस ताड़ी तो दस्या ऑनलाइन है, स्टूडेंट अपनी डिटेल है सारी, फीस कन्फर्म होने तो बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लोगा, ठीक है जी। उस तो बाद डिटेल वगैरह रीड करनी है तुसी कर लियो। उस तो बाद चैकबॉक्स बनया है, ठीक है जी, इंस्ट्रक्शनस का रीड करन दा, इनू क्लिक करके प्रोसीड ते क्लिक कर दो। प्रोसीड ते क्लिक करके तुसी नैक्सट फॉर्म ते क्लिक करोगे, पहुँच जाओगे इत्थे। देखो जी आ डिटेल्स है जिहड़ियां, तुसी जो तुहाडे सर्टिफिकेट्स है वह फिल करनी है। कई बार की होंदा है कुछ बच्चों के स्पैलिंग मिसटेक हो जाते, ये जी डिटेल तुसी फर्स्ट टाइम फिल करते हो इहदी कोरैक्शन नहीं होंदी, इहदी कोरैक्शन सिर्फ तुहाडी होंदी है बोर्ड तो, ठीक है। चलो मैं इत्थे नाम भर दिंदा, बच्चे का नाम अरुण है, ठीक है जी, फादर साहब का नाम, ठीक है जी, उस तो बाद माता जी का नाम, उस तो बाद डेट ऑफ बर्थ, ये जिहड़ियां चीज़ां तुसी फिल करते पे हो इनू बड़े ही ध्यान दे नाल फिल करना, इहदे विच गलती ना करियो, ये चीज़ां दी कोरैक्शन नहीं होंदी, ठीक है जी। इहदे लई तुहाडी कोरैक्शन किद्दां होनी है वो मैं तुहानू वीडियो दे लास्ट विच प्रोवाइड करूँगा पूरा प्रोसैस। मोबाइल नंबर आ जिहड़ा मोबाइल नंबर मैं फिल किया, तुसी मैनू इस मोबाइल नंबर ते कॉन्टैक्ट करके, वट्सएप करके, इंस्टाग्राम फेसबुक ते फॉलो करके तुसी अपनी प्रॉब्लम्स दा सोल्यूशन लै सकते हो। साडे थ्रू फॉर्म फिल करवाना है, सेम नंबर ते वट्सएप करियो, की फर्दर प्रोसैस है वो मैं तुहानू वट्सएप ते एक्सप्लेन कर दूंगा। उस तो बाद 10th लैवल दे विच पंजाबी पास हो, यस नो कर लियो, फिलहाल तुहाडी 10th लैवल से पंजाबी पास होनी कंपलसरी, अगर तुसीं पंजाब से जॉब करनी है, अगर नहीं है कि एडिशनल पंजाबी का एग्जाम होंदा है वो फिल कर लियो, वो दे के दैन ही फॉर्म फिल करियो, अदरवाइज जो तुहाडा टैसट क्वालीफाई हो जाता है जो तुहाडी स्क्रूटनी वगैरह होंदी है उदू बहुत पंगा पैंदा है, ठीक है जी। तो इस करके नहीं की तो रहन दियो, इन्हां दी गाइडलाइनस बहुत, ठीक है जी, अलग होंदियां, अदरवाइज़ तुहाडी फीस ही खराब होनी है। हाँ, अगर नॉलेज वास्ते देना तुसीं दे सकते हो, अगर तुसीं पहले तो ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हो तो उस दे अकॉर्डिंग तुसीं यस नो कर देना। सो ये डिटेल फिल करके बेशक कैफे तो कराते पे हो बड़े ही ध्यान नाल चैक कर लेनी है, अदरवाइज सीधा गेड़ा तुहाडा लगना है बोर्ड का, और बोर्ड भी सानू पता है किदा हुंदा है, उत्थे तां तुहाडी कोई गल ही नहीं सुनता, ठीक है जी। आह सारा कुछ करके तुसीं रजिस्टर ते क्लिक कर देना है, एक पॉपअप आऊगा, तुसीं इहनूं ओके कर देना। सेम प्रोसैस स्मार्टफोन ते भी कर सकते हो। उस तो बाद तुहानू इत्थे एक लॉगिन आई डी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है जी, वह तुसी इत्थे लॉगिन कर लेना। आ देखो जी जो साड़ी सारी डिटेल वेरीफाई होगी, उस तो बाद तुहानू इत्थे लॉगिन आई डी पासवर्ड मिलेगा। ये जो लॉगिन आई डी पासवर्ड है जिहड़ा तुहाडे ते तुसी फस्ट टाइम रजिस्टर ते मैं क्लिक किया सी उहदे विच तुसी फिल करना है, ठीक है जी। इन मैं तुहानू शो कर देना, देखो इत्थे फिल करके, उस तो बाद तुहाडा पासवर्ड भी इत्थे जनरेट हो गया, ठीक है जी। ये डिटेल नूं तुसीं लिख भी लेना, ठीक है जी। इन्हां दा कई बार मैसेज नहीं आता बिकॉज इन्हां दे सर्वर्स जिहड़े बहुत ही कह लो तुसीं एक तरह के बेकार है, मैं डायरैक्टली कहना हुंदा बिकॉज मैं ऑनलाइन काम करदा है, ठीक है जी। अज तक जिन्ने भी इन्हां दे फॉर्म फिल किए, अगर 1 लाख फॉर्म किया, 1 लाख विचों मेरे ख्याल में वध तो वध 5-8 का मैसेज आता है। कई बच्चे बेचारे इदा दी रिकवरी भी नहीं हो पाती उन्हां दी, वो टैस्ट तो रह जाते हैं। सो लिख लेना कि अगर कैफे तो फिल कराया उन्होंने कहना एक प्रिंट आउट कट देन आ चीज़ा, ठीक है जी। उस तो बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना, लॉगिन पर क्लिक करके ताडा नैक्सट पेज खुलूगा जी। ये सब तो पहले अपनी हुण फोटो और साइन अपलोड करने ने, बट उस तो पहले आ थोड़ी जी डिटेल्स है फिल कर लो, ताडा मैरिटल स्टेटस की है, मैरिड टू अनमैरिड टू दा सॉन डिटेल है, ट्रांसजेंडर वास्ते इस नहीं है जी, वो वास्ते फिलहाल इन्होंने ऑप्शन इनेबल नहीं किया जबकि होना चाहिए सीगा। हाउस नंबर फिल किया,
ठीक है जी। उस तो बाद आप इतने चलो जी सिटी फिल कर लें जिते आप रहने हैं, तहसील भी फिल कर लें, उस तो बाद पिन कोड, उस तो बाद स्टेट तो चलो साड़ी पंजाब आनी है, अदर स्टेट दे उस अकॉर्डिंग दिख लेना है कि अदर स्टेट की वैकेंसी हैगी है, उस अकॉर्डिंग तुम ये फिल कर लेना है, थोड़ी डिस्ट्रिक्ट आऊगी जी, आ सारियाँ टेल फिल करके ध्यान देना, हूँ इतने अपडेट तो पहले तुम्हें क्लिक करना है। अगर ला लो ये कोई गलती हो जाती है, ठीक है जी, ये कोई गलती हो जाती है, देखो मैं लिखा जी इतने सिर्फ 786 नियर बस स्टैंड एग्जाम्पल वास्ते, इतने मैं बस स्टैंड नहीं लिखा सीगा, जल्दी सीधा कि एडिटिंग करनी है सब तो पहले अपडेट पर क्लिक करना, डायरैक्टली अपनी प्रोफाइल में लॉक नहीं करना, अगर तुम डायरैक्टली लॉक करता तो जड़ियाँ तुम्हें अपडेशन की मैं कोरसपोंडेंस एड्रैस के ढड़िया नहीं होनी, सारी डिटेल करके चैकबॉक्स से क्लिक करके अपनी फाइल में अप्रूव कर देना, जो तुम अप्रूव कर दोगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, ताकि जी फाइल है तो सक्सैसफुली अपडेट हो जाएगी। उस तो बाद अपलोड फोटो साइन पर जाना है, फोटो उत्ते जो इतने सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं वह एक प्रॉपर साइज दस्या होया कि साइज जरा फोटो का 25 KB तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 KB तो जो साइज है वह नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए इतने दस्या होया पूरा तुम देख भी सकते हो, वध नहीं होना चाहिए। इस तो बाद इतने फोटो अपलोड करनी है, चूज फाइल पर जाना है, जी ताकि फोटो है तुम इतों फोटो चूज करो, फोटो चूज करके तुम की करना है फोटो नू जो सिलेक्ट कर लेंगे हो इतने अपलोड पर क्लिक कर लेना, फोटो देखो जी इतने आ गई है, चूज सिग्नेचर पर जाना हूँ तुम इतों जोड़े थोड़े साइन है तुम वो साइन चूज करके इतों अपलोड कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, साइन ते हमेशा वाइट पेज पर होने चाहिए, कि मैं देखिए कॉपी होंगी लाइनिंग उत्ते पेज पर साइन करके अपलोड कर देते, हमेशा अपने जो साइन है वाइट पेज से करके उन्होंने अपलोड करो, अगर तुम लगता है कि साइन या फोटो क्लीयर नहीं है सब तो पहले उन्होंने तुम इतों चेंज कर सकते हो, उस तो बाद अगेन अपलोड करो, सब कुछ होने तो बाद नीचे चैकबॉक्स बने इतने क्लिक करके अप्रूव माई, ठीक है जी, फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करके आ भी देखो ता डाटा अप्रूव हो गया। उस तो बाद अप्लाई हेयर पर जाना, अप्लाई हेयर पर जाके तुम अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना, जिदा एग्जाम्पल वास्ते मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैं फिजिक्स चूज किया, कैटेगरी ठीक है जी तुहाड़ियां सारियां आ जाऊगियां, बाकी आ जिहड़ा इन्होंने इतने शोध पत्र दिता सी इहदे विच कई, जिदा मैं इंग्लिश की गल करा मैं कल इंग्लिश का फॉर्म फिल करता पिया सीगा, इतों मैं तुहानू शो भी कर देना ध्यान देना, आ देखो इतने मैं चूज किया इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ देखो इतने जनरल भी है, एससी एमएन भी है, एक सर्विसमैन भी है, इतने देखो इंग्लिश की आ देखो एससी अंडर की एक पोस्ट है, जबकि इन्होंने इतने वो पेस्ट तो जो लिंक है इनेबल ही नहीं किया, देखो सिर्फ 3 आ रहे हैं, सो आई डोंट नो बैकएंड की करता है, बाकी थोड़ा वेट करो, ठीक है जी, कई बार थोड़ा लिंक इनेबल में टाइम लग जाता, बट मेरे ख्याल में बोर्ड का काम बहुत स्लो है, पता नहीं लिंक इनेबल होंगे कि नहीं होंगे, मैं तो कभी इन्होंने फॉर्म फिल करा तो मैं बच्चों को सीधा कह देना कि पुत्र उम्मीद ना रखो इन्हों लिंक इनेबल नहीं होंगे साझे की, इस करके नहीं होंगे एक मेल पा दो उन्होंने, बट मेरे अकॉर्डिंग सारे लिंक्स नाल दे नाल इनेबल हो जाने चाहिए ने, बट ये नहीं करते। सो फिजिक्स है, फिजिक्स के भी कि कैटेगरी का मैं जनरल में बिलोंग करना, मैं जनरल चूज किया, अपलाई पर क्लिक कर देना, ओके कर देना। इतने सब तो इंपॉर्टेंट होर गल ला लो तुम कि अपनी ए फिल की कैटेगरी, थोड़ी इतने उसकी कैटेगरी फिल करनी सी फिजिक्स की अपनी इतों कि एम एंड बी या एच सर्विसमैन जनरल, गलती ना तुम या कैफे तो कराई हूँ जनरल करती, हूँ की होगा प्रॉब्लम होगी, सो ये पूरा प्रोसैस तुम भी मेरे वट्सअप डिस्कस कर सकते हो, ये सारा कुछ करके फिल एप्लीकेशन फॉर्म नैक्सट है जी स्टैप, तुम इतने जाना, चौथा स्टैप है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तुम इतने क्लिक कर देना, वो अपनी डिटेल फिल करनी है, सब तो पहले बी एड, ठीक है जी, बी एड तुम कि साल की है वो तुम फिल कर देनी है, उस तो बाद बी एड का रोल नंबर आऊगा, ईयर ऑफ पासिंग सॉरी इतने सबजैक्ट आने हैं ऑल सबजैक्ट्स, ठीक है जी मैं फिल कर दिना ऑल सबजैक्ट, उस तो बाद साल च पास की वो तुम कर देना, कि बोर्ड है जी वो तुम इतने फिल कर देना, किन्या सौ चो किन्ने ढे नंबर आए वो तुम फिल कर देने जी। उस तो बाद एम ए तुम कहती हुई है जी, एम ए इतने दिख लाने कि होर है, MA MSc MCOM, ठीक है जी, MSc की हुई है कि फिजिक्स की, उस तो बाद रोल नंबर ढा आजगा जी, उस तो बाद कि साल की 2000 आप इतने की जी 14 15 16 च, ये कितों की जी GNDU, जरूरी नहीं कि तुम सेम यूनिवर्सिटी तो की है, माइग्रेट की बार तुम हो जाते हो, किन्याचों किन्ने मार्क्स है वो तुम मार्क्स फिल कर देने जिन्ने ढे मार्क्स आए, ठीक है जी, और किन्या चो आए, उस तो अकॉर्डिंग इतने ध्यान मार्क्स फिल करने, सब कुछ करने तो बाद एक बार टैली कर लेना अपने DMC ना, सब कुछ डन है तुम इतों ऐड कर लेना, तो ओके कर देना, ऐड होना की है सारी ढाई डिटेल है सक्सैसफुली अपडेट हो जाएगी, उस तो बाद
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਓਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ GNDU ਉਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੌਕ ਮਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਫੀਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੇ ਫੀ। ਪੇ ਫੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਨਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇ ਫੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਇਨੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪਸ ਡਨ ਹੈ। ਪੇ ਫੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਫੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਊਗਾ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ UPI ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, NTFS ਜਾਂ ਨੈਫਟ ਜਾਂ RTGS ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਲ ਯੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫੋਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਕਚਰਰਸ ਐਂਡ DPs ਫੋਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਲਿੰਗ ਔਰ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ 93-93 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੇਟ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਡੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।